वेलकम टू ज़ाविया। मैं हूं इल्हाम हारून नासिर। और मैं हूं इल्हाम हारून नासिर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू ज़ाविया। इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई वी शुड बी राइशियस। व्हाट आर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड विद हिज राइशियस पीपल एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय मेनी हु आर एंड हु आर ट्राइंग टू बी राइशियस इन द आइज ऑफ गॉड। हमारी आज की जो खास एपिसोड है वो सादक और तमाम तर कलाम में जो वादे लिखे हैं सादकों के लिए उनके ऊपर है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब खुदावंद खुदा के वादे सादकों की ज़िंदगी में पूरे होते हैं वो किस तरह से पूरे होते हैं, और खुदावंद खुदा जो सादकों की ज़िंदगी में मुसीबत आने देते हैं वो किस लिए आती हैं, और हाउ अ राइशियस मैन कैन गेट स्ट्रॉन्गर एंड हाउ ऑल द प्रोमिसज ऑफ गॉड कैन बी फुलफिल इन हिज़ लाइफ। मैं तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने अपने मैसेजेस और अपनी ईमेल्स के थ्रू हम लोगों को सपोर्ट किया और हम लोगों को हमारे प्रोग्राम्स के लिए फीडबैक दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स दैट यू हैव बीन प्रेइंग फॉर अस। थैंक यू वंस अगेन। मूविंग टूवर्ड्स आर टुडेज प्रोग्राम, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को साधक क्यों बनना चाहिए, और जब हम लोग साधक बनना चाहते हैं तो वॉट आर द राइट थिंग्स वी शुड डू। ज़बूर 37 उसकी 25th वर्स, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा जिसमें कुछ यूं मरकूम है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये आयत बहुत ही खूबसूरत और एक परफेक्ट है सादक और उसकी तमाम तो ज़िंदगी को डिस्क्राइब करने के लिए। कलाम मुकद्दस में ये एक ऐसी श्योरिटी है, एक ऐसा वादा है खुदावंद खुदा का जो कि हम लोगों को इस पूरी आयत में मिलता है। बट वट वी कैन डू टू बी अ राइशियस मैन, हम लोगों को ऐसे क्या काम करने चाहिए और ऐसी हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कौन से डिसीजंस लेने चाहिए जिससे हम लोग साधक बन सकते हैं। आज हम लोग इस तमाम तर इस आयत को और इससे जुड़ी हुई कलाम में तमाम तर बातें डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त सुलेमान अमान जान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सुलेमान अमान जान साहब जो हैं वो एवेंजलिस्ट हैं और जो कि एवेंजलिज्म कर रहे हैं, और आज हम लोग इनके साथ डिस्कस करेंगे दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बी अ राइशियस मैन। और अपने वो बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ज़ाविया। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ाविया की पूरी टीम का कि उन्होंने मौका बख्शा कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और इस सारी जो कलाम की बातें हैं वो हम लोग बैठ के उसको डिस्कस कर सकें, और इसके वसीला से जो लोग सुनने वाले हैं जो हमारे इस चैनल को प्रमोट करते हैं देखते हैं इस कलाम के वसीला से उन सबको बहुत ज़्यादा बरकत मिले, और हम दुआगो हैं उनके लिए। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधक के बारे में, आज का ये बहुत अच्छा टॉपिक है और खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकतें दे, सरबुलंद करे। आमीन। बेसिकली सादक का जो लफ्जी मानी है वो किसी भी एक शख्सी ज़िंदगी की या किसी की शख्स की ज़िंदगी या मजमू ज़िंदगी जो है उसके ऊपर ये तबसरा है कि हम किसी शख्स को देखते हैं उसका उठना बैठना बोल चाल, नॉर्मल किसी भी आप शख्स को देख लें उसकी ज़िंदगी क्या है और उससे आप क्या सीख रहे हो, उसका बोलचाल कैसा है, तो फिर हम हमारे जहन में ये आता है कि साधक की ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए। साधक दा उसका वफादार होना, रास्तबाज होना, खरा बंदा जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं या आम लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि झूठ ना बोलने वाला। इसको अगर हम लोग सम अप करें अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि जो किताब मुकद्दस में और मसीहत में स्ट्रिक्टनेस दिखाए उसको फॉलो करने बिल्कुल इसी किसी भी सूरत में वो उसके ऊपर उसको उसके जो अहकाम हैं खुदा खुदा के उसको वो ईजी ना ले, ना कि कुछ भी ऐसे अगर उनको फॉरबिड ना कर दे या फिर उसको ये कहे कि खैर अगर हो गया तो ठीक है। जी बिल्कुल, अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए ऐसे, और वो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हो सबसे बड़ी बात जो है। और जो हमारे मसीह यस्सु ने हमें हुक्म दिए हैं, जो हमारा कलाम हमें सिखाता है कि हमें इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। और वैसे भी
आजकल के दौर, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से, तो आप देख सकते हैं कि मसीहियों की ज़िंदगी, हम किसी गैर कौम का या किसी और की हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं मसीहियों की, अपने बहन भाइयों की। बिल्कुल। तो आजकल मसीहियों के दिल बहुत सख्त हो चुके हैं, हमारी अकल जो है, हमारी आंखें जो हैं वो अंधी हो चुकी हैं, हम लोग सब कुछ देखते हुए सारे गुनाहों को जो अब्लीस इस टाइम हमारी ज़िंदगियों में कर रहा है, इतने अजीब अजीब काम हमारी ज़िंदगियों में हो रहे हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सब कुछ जानते हुए कि कलाम हमें क्या सिखा रहा है, हम लोग शुरू से बचपन से हम सुनते आ रहे हैं अपने पास्टर साहिबान से, अपने जो जितनी भी लीडरशिप है। बिल्कुल। तो वो हमेशा हमें यही सिखाते आए हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, क्योंकि वक्त नज़दीक है। बल्कि अगर हम देखें तो आजकल आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा, खादम बोलते हैं कि वो वक्त आ चुका है, हम उससे गुजर रहे हैं, ये सब कुछ हम जानते हुए भी फिर भी हम लोग तौबा नहीं कर रहे, हम लोग वफादार नहीं हैं, बिल्कुल दयानदार नहीं रहे, हमारी जिंदगियों से झूठ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल। हर चीज में हम लोग झूठ बोलते हैं, और दुनियावी चीजों के लिए हम इतने स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमने खुदावंद को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है, बहुत ज्यादा। और हमें इस टाइम जरूरत है कि हम खुदावंद के साथ वफादार हो जाए, अपनी जिंदगी में हम खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। लेकिन आज हम लोगों ने गुलाम मुकद्दस को बिल्कुल ऊपर रख दिया। सिर्फ एक टाइम के लिए हम लोग जब नॉर्मली घर में सफाई करते हैं, तो फिर हमारी जो बहनें होती हैं वो बाइबल को उठाती हैं, कलाम मुकद्दस को उठाती हैं और साफ करके फिर उधर ही रख देती हैं। हम लोगों ने कलाम को एक निशान के तौर पर घर में रख दिया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हम लोगों की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए? हम लोग बिल्कुल बिल्कुल भी खुदावंत से बहुत दूर जा चुके हैं। और ये टॉपिक, फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि सादिक, आप कलाम में देख सकते हैं कि अय्यूब की जिंदगी को आप देख सकते हैं, और सारे जितने भी हमारे पैगंबर गुजरे हैं उनकी जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है। जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। और आजकल हम देखते हैं लोगों के गोल्स और मोटिव्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं, एज कम्पेयर टू जैसे हमें बाइबल में बताते हैं कि हमें अपनी सोच, अपना ध्यान आसमानी खजाने की तरफ, आसमानी चीज़ों की तरफ लगा के रखना चाहिए, पर अब ऐसा नहीं है। पर हम लोग अगर बाइबल में देखें, वो सारे लोग जो सादिक कहलाए गए हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई। मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस अय्यूब हम लोग देखते हैं, मुकद्दस दाऊद जो हैं, मुकद्दस दाऊद, पौलुस रसूल, बिल्कुल, और सबसे अबव एवरीवन एल्स यीशु मसीह को, उन सब ने दुख उठाए। और आज भी हम यही देखते हैं कि जो लोग खुदावंद से ज्यादा वफादार होते हैं उनकी लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उतने ही अप्स एंड डाउन्स उनको मुश्किलें घेरी रखती हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। उसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोग जितने खुदावंद के नज़दीक होते हैं, तो वैसे वैसे जो है ना, अब्लीस की हमेशा से शुरू से कोशिश रही है कि हम लोग खुदावंद के नज़दीक मत जाएं, और वो इसीलिए हद से ज़्यादा कोशिश करता है कि हम खुदावंद से पीछे हटें। और बहुत सारी चीज़ों में जो आम रूटीन से हम लोग घरों में करते हैं, या हमारी ज़िंदगियाँ भरी पड़ी हैं ऐसी बातों से, कि कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि जब लोग हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं घर से, बेशक हम दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, अपने आप को खुदा के आगे रखते हैं, लेकिन ये हम लोगों के सोच में हमेशा रहना चाहिए कि अब्लीस भी उसी तरह से बाय फोर्स जो है ना, वो हर तरह से कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने काबू में रखे इंसान की सोच को, उसकी हरकतों को, उसका चलना फिरना, उसका उठना बैठना सिर्फ और सिर्फ अब्लीस के हाथों के इशारों के मुताबिक हो जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सादिक जिन हालातों से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, किन किन मुश्किलात का सादिक को सामना करना पड़ता है,
बहुत सारे लोग जो दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी सोच ये है, वो जिस लिहाज से सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि जो इंसान खुदा के साथ वफादार है उसकी रूहानी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। जो नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो मसीहों के बारे में, सादक की ज़िंदगी में स्पेशली उसके बारे में ये सोचते हैं, उनकी सोच ये होती है कि इसके ऊपर कोई मुश्किलात नहीं आती, वो मुसीबत में नहीं रहता क्योंकि वो तो खुदा से वफादार है। हमारा यही परसेप्शन बना हुआ है एक मसीही ज़िंदगी के लिए कि जब हम लोग मसीह के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में से तमाम तो मुश्किल मुसीबतें निकल जाएंगी। ये एक ऐसी हमारी एक सोच डेवलप हो चुकी है कि जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल मुसीबतें ज़्यादा होना शुरू होती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में ट्रायल्स टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तभी हम लोग खुदा के हजूर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि अब ये ख़त्म हो जाएंगी हमारी ज़िंदगी में। नो मैटर वो हम लोगों को कितना स्ट्रॉन्ग कर या उनके पीछे खुदा की क्या मर्ज़ी है या हम लोगों की रूहानी तरक्की है या नहीं, हम लोग सिर्फ उस तमाम उस टाइम पीरियड से निकलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और हम लोग ज़्यादा जो है ना, जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है बहुत ज़्यादा, और हम जो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए वो हम लोग भूल जाते हैं, उस परेशानी की वजह से, उस तकलीफ की वजह से। हम लोग कोशिश यही होती है, हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर बिलीव करते हैं, बेशक के नॉर्मली हमें करना चाहिए कि जब कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा हक बनता है रूहानी तौर पे, चाहे जिस्मानी तौर पे और मसीही होते हुए, कि हमें सबसे पहले दुआ करनी चाहिए खुदा यीशु मसीह के आगे। हम झुकें, दुआ करें, अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को खुदा उनके सामने रखें, और ये काम जो है हम लोग बिल्कुल आखिर में करते हैं। जब हम लोग हर चारों तरफ से मायूस हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी मायूसी में चली जाती है, तो फिर हम खुदा के आगे झुकते हैं। और इसी तरह से हम लोग सादक के ऊपर बात कर रहे थे उनकी परेशानियों की, हम लोग ये ना सोचें, दुनियावी तौर पे ना सोचें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं, हमारी ज़िंदगी को कैसा होना चाहिए था, रूहानी तौर पे हमारी ज़िंदगियों में क्या कुछ कमी है इस टाइम पे, वफादार हम लोग नहीं, रास्तबाज हम नहीं हैं, झूठ हम बोलते हैं, हमारी ज़िंदगी झूठ से भरी पड़ी है इस टाइम पर, और ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, खुदावंद को अपने अंदर आने दें, पाक रूह को वेलकम कहें, तब हम इन सारी परेशानियों से, इस सारे धोखे से, इस सारे फ्रेब से हम निकल सकते हैं, खुदा हमें सरफराज करेगा। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने और ये हकीकत है, लेकिन हम लोग देखें हमारे व्यूवर्स भी और जितने भी इस वक्त हम लोगों को लोग देख रहे हैं, वो सब लोग एक ही बात सोच रहे होंगे कि क्यों ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में सादक बने, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ राइशियस मैन। ये हम लोगों को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने गोल की, अपनी तमाम तर जो हम लोगों का जो स्ट्रगल है उसकी अहमियत का अंदाज़ा ना हो, तो हम लोग कभी भी ये एक इंसानी फितरत है कि उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो हम लोग ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सादक बनना क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम लोग जब तक हमारी जिंदगी खुदावन से भरी नहीं, या हम लोग खुदावन से वफादार नहीं, हम लोग रास्तबाज नहीं, हम लोग दूसरों के लिए भी बरकत का बायस नहीं बन सकते, जैसे कि मुकद्दस याकूब। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में झूठ नहीं होना चाहिए, फ्रेम नहीं होना चाहिए, हम लोग रास्तबाज बने, खुदावंद के साथ वफादार हों, तब लोगों को हम लोग खुदावंद की मुनादी के ज़रिए, कलाम के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से हम लोगों को खुदा के नज़दीक ला सकते हैं। बिल्कुल, आमीन। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को पहले देखें, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। इस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं और देखते हैं। और मुझे बड़ी अच्छी एक बात याद आ रही थी, तकरीबन कोई एक माह पहले मैं दुबई में था, तो वहाँ पे एक एग्ज़िबिशन थी, तो वहाँ पे मैं चला गया, मेरा इत्तफाक हुआ जाने का वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक आर्टिस्ट जो
पेंटिंग से तस्वीरें बना रहा था, तो उसके पास एक सेम पेंटिंग पड़ी हुई थी जो सेम उसी चीज़ को वो पेंट दूसरी बार कर रहा था। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मैंने कोशिश की कि मैं उससे जाकर थोड़ा मालूमात लूँ, उससे पूछूं। तो मैं जैसे उसके पास गया, मैंने उससे बात की, बड़े अच्छे तरीके से उससे पूछा कि ये आप जो पेंटिंग बना रहे हैं सेम ऐसी आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो उसने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ एक की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि अगर इसको एक ज़रूरत है तो फिर ये दूसरी दो क्यों बना रहा है, बिल्कुल, और बड़ी स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि हर नॉर्मली हर आदमी जो अपने काम में वो होता है बहुत, ये और स्पेशली ये एक ऐसा काम है कि इसको बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से इसको किया जाता है। आपका कभी इत्तफाक हुआ हो तो आप देखेंगे कि ये एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से इसको जो है ना पेंट किया जाता है। और इसी तरह जब मैंने उससे फिर दोबारा दरियाफ्त किया, पूछा, उससे बात की कि भाई ये तो बिल्कुल एक मुकम्मल जो आप बना रहे हो तस्वीर, ये कि वही तस्वीर है। तो उसने मुझे बड़े प्यार से जवाब दिया कि इसमें जो कमी है वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसमें क्या कमी है और इसको परफेक्ट कैसे होना चाहिए। तो इसी तरह सेम साधकों की ज़िंदगी है और खुदा उसमें बहुत हमें जब वो छांटता है, हमारी छानबीन करता है, तो हमारी ज़िंदगी सेम ऐसी करता है कि जो गुनाह से पाक हो, हमें बिल्कुल वो अपने कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों को बनाना चाहता है जिसमें किसी भी किस्म की कमी ना रहे। बिल्कुल, वो हमें सर से तराशता है कि हम लोग बिल्कुल उसकी नज़र में परफेक्ट हो जाएं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो हमारी इतनी सारी लाइफ में ट्रबल्स आती हैं उसका आउटकम क्या होता है? एक तो हम ये आपने अभी हमें जिस तरह से बताया कि हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं खुदा की नज़र में, हम बिल्कुल मसीह की मानन बनना शुरू हो जाते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या बेनिफिट्स हैं जो हम देखते हैं इन मुश्किलों में से, इन ट्रबल्स में से गुजरने के बाद जो हमें नज़र आते हैं? इसमें सबसे बड़ी चंद एक चीज़ें हैं, एक रूहानी तरक्की जी और खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता, हमें किस तौर पे हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि खुदावंद के वादे जो हैं वो सच्चे हैं। आमीन, बिल्कुल, वो कभी भी अपने वादों से फिरता नहीं, बिल्कुल, बल्कि हमेशा उनके ऊपर कायम रहता है। आमीन। और वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगियां इसी तरह खुदावंद की राह में गामजन, हम लोग उसकी राह में गामजन रहें, उसके कलाम की मुनादी करें, लोगों तक उसका पैगाम पहुँचाए और बहुत सी रूहों को, बहुत सी जानों को हम खुदावंद के लिए जीते। और कलाम हमें इस चीज़ की वो एक बहुत बड़ी बात है कि कलाम में लिखा है कि ख्वाब मौत की वादी में से मेरा गुजर हो लेकिन फिर भी खुदा जो है हमें थामे हुए रखता है, पकड़े हुए रखता है। वो कभी भी मुश्किलात में, चाहे जितनी भी तंगी है, जितनी भी मुसीबत है, वो कभी भी हमें तन्हा अकेले नहीं छोड़ता। ये उसका वादा है और हमेशा उसके वादे जो हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया कि वो वादों का सच्चा और अजीम खुदावंद है। आज हमें ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम लोग दुआ करें और सच्चे दिल से, रूह के साथ, सच्चाई के साथ, सब्र के साथ रिहाई का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर हम चलेंगे तो फिर ही खुदावंद हमें सारे मुसीबतों से, परेशानियों से, मुश्किलों से फिर वो हमें रिहा करेगा, हमारी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी, हम लोग नए सिरे से पैदा होंगे। और खुदावंद की इसी में मर्जी है कि हम लोग उसके साथ वफादार हो जाएं। हम लोग इस तरह से कह सकते हैं इन तमाम चीज़ों को कि जब हमारी कुर्बत खुदावंद खुदा के साथ होती है, जब हमारी सोहबत उसके साथ होती है, तो जो मुश्किल वक्त, हालात और तकलीफ़ें हमारे साथ चल रही होती हैं उनमें से गुजरने के लिए खुदावंद खुदा अपने हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेता है और हम लोग बआसानी उन तमाम मुश्किलात से, उन तमाम तकलीफ़ों से गुजर सकते हैं। बिकॉज जब हमारी कश्ती तूफ़ानों से घिरी होती है तो जब उस कश्ती का जो व्हील है हमारे हाथों में होता है तो हम लोग उस तमाम तूफ़ान का सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब खुदावंद खुदा उस कश्ती में हमारे साथ होते हैं तो उस तूफ़ान से लड़ने की एक अजीब सी ताकत, हिम्मत, कुव्वत हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि उसके जो भी असरात हों वो कश्ती से बाहर होते हैं, कश्ती के अंदर हरगिज़ नहीं आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आवर
गुड लॉर्ड एग्जैक्टली दिस आल्सो हैपेंस इन आवर लाइफ्स. अब हमने वो सारी ट्रबल्स, वो सारी परेशानियां जो सादिक होने की वजह से हमारी जिंदगी में आती है डिस्कस की. अब हम देखेंगे कि खुदावंद के वादे क्या हैं अपने लोगों के साथ. बाइबल मुकद्दस में उन वादों को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे वो कहाँ कहाँ पर, किस तरह हम अपनी लाइफ में आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको. हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से बहुत सारी जगह पर हमें इस चीज़ की मिसाल मिलती है. और जैसे मिसाल में लिखा हुआ है, जबूर में लिखा हुआ है कि सादक एक ऐसे दरख्त की मानिंद है जो कभी सूख नहीं सकता, वो हरा भरा रहेगा. और अगर किसी मुश्किल की वजह से, किसी परेशानी की वजह से वो सूख भी जाता है तो फिर भी सिर्फ एक बारिश का कतरा जो है उसको हरा भरा कर देता है. और सादक की वजह से कलाम हमारा इस चीज़ की बताता है इसकी चीज़ के बारे में कि सादक की खुशहाली से शहर खुश होता है, बिल्कुल आबाद होता है. और जहाँ जहाँ सादक हैं, वफादार लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, उन्हीं की वजह से मुल्क और शहर जो है वो तरक्की करते हैं. और इस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत हमें जो है हमारा कलाम मुकद्दस हमें देता है. हर जगह पर हमें सादक के बारे में आयत मिलती हैं, हमें कलाम हमें इस चीज़ की गवाही देता है. कि इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज इस बात की कि हम लोग अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम लोगों को कैसे चलना चाहिए, हम लोगों का बोलचाल कैसा होना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे हैं. इस चीज़ की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को आने दें, पाक रूह के मसा को आने दें. और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाम मुकद्दस को हम लोग स्टडी करें, इसके बारे में समझने की कोशिश करें कि आज खुदावंद हमसे क्या करना चाहता है और हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद आज क्या चाहता है कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से होनी चाहिए. कलाम मुकद्दस हम लोगों को सादक इंसान की जो उसके डिटेल्स हैं कुछ इस तरह से भी बताता है. क्या अगर हम लोग जबूर 37 उसकी 26 आयत भी हम लोग देखें कि वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है. यहाँ पर एक चीज़ जो हम लोग, मैं समझूंगा कि एक मसीही कौम में आज मिसिंग है, वो है यहाँ पर जिस तरह से उसके इस आयत के आगाज़ में हम देखें कि वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है. यहाँ पर रहम करना और कर्ज देना, यहाँ पर एक यूनिटी शो करती है, यहाँ पर एक चीज़ शो करती है सादक की खासियत कि वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी हर एक चीज़ के अंदर इंक्लूड करता है. लेकिन ये हमारी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी मसीही कौम के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम तर भाइयों में, बहनों में ये चीज़ मिस होती चली जा रही है. बेसब्री और इनटॉलरेंस और हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि कलाम के बिल्कुल खिलाफ हैं, उसके मुतबादिल हैं. जब तक हम लोग अपने आप को कलाम के मुताबिक नहीं तैयार कर सकते हैं, जब तक हम लोग रहम करना नहीं, उसका आगाज़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग कर्ज़ देने का आगाज़ नहीं कर सकते हैं. कर्ज़ देना हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि अगर हमारे पास वो फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है और हम लोगों को कर्ज़ नहीं देना चाहिए. हम लोग कर्ज़ और भी बहुत सारी सूरतों में दे सकते हैं. हम दूसरे की मदद करके कर्ज़ दे सकते हैं, हम लोग एक दूसरे का एहसास करके कर्ज़ दे सकते हैं. देयर आर सो मैनी अदर वेज़ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस आयत को पूरा कर सकते हैं और हम लोग सादक बनने की राह के ऊपर चल सकते हैं. बिकॉज दिस इज़ वॉट आई थिंक दिस इज़ वॉट मेक्स अस वेरी प्रेशियस इन गॉड्स आई, कि जब हम लोग कोशिश करना शुरू करते हैं कि हम लोग कलाम की तमाम तर बातों पर उसको पर अमल करें, उसका आगाज़ अपनी ज़िंदगी में शुरू करें. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो मसीही लोग जो वो ऐसे नहीं थे. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल रास्तबाज थे और सबसे बड़ी बात वफादार थे. और लोग हम मसीहियों पर यकीन करते थे, एतबार करते थे और मसीहों में झूठ नहीं था. वो फरेब नहीं करते थे, धोखा नहीं देते थे, खुदावंद के साथ वफादार थे. इसी तरह से अगर हम लोग इस टाइम के मसीहियों को, और थोड़ा साल, बहुत ज़्यादा पुरानी बात हम लोग नहीं करते, लेकिन कुछ साल पहले के मसीहियों को हम लोग आपस में अगर वो करें तो आज हम लोग किस जगह पे खड़े हैं. कोई हमें, हम लोगों पे यकीन नहीं करता क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगियां झूठ से भरी पड़ी हैं. हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोग
कोशिश करें, अगर हम लोग खुदा से वफादार हो जाएं, उसके कलाम को हम लोग समझें, उसके ऊपर अमल करें, तो खुदावंद हमें हिम्मत देगा, ताकत देगा, और हम लोग अपना जो हम लोग मसीही मयार खो चुके हैं तो वो मयार हम लोग वापस ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बशर्ते कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के साथ वफादार हो जाएं और उसके कलाम के ऊपर हम लोग चलें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम गैर कौमों के दरमियान रहते हैं और हमने अपने चाल चलन और अपने हर एक चीज से बताना है कि हम लोग मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम लोग क्रिश्चियंस हैं, हम लोग खुदावंद का सिर्फ नाम ही नहीं लेते बल्कि हम उसे ओढ़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट सिंस वी लिव विद अदर नेशंस नॉन क्रिश्चियंस और ये हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच कि आपने आज हमें इतना अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जैसा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर हर तरह की श्योरिटी चाहते हैं, जब हम लोग हयात होते हैं और हम लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस लाजमी करवाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर ये इसी तरह से है कि लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट। ये एक तरह से एक श्योरिटी होती है कि अगर हम लोग इस दुनिया से कूच कर जाएँ, हम लोग मसीह में सो जाएँ, तो हम लोगों के जो अजीज़ वकारिब हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं या हमारी क्लोज जो इमीडिएट फैमिली है, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग हर तौर से अपनी कोशिश को जारी रखते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो हर तरह का कंफर्ट हमारे बाद भी हासिल करती रहे। ज़बूर 37 उसकी 25 आयत, ये खुदा खुदा की तरफ से श्योरिटी है इस बात की कि जब हम लोग सादक बन जाते हैं तो फिर हमारी तमाम तर इमीडिएट फैमिली और हमारे तमाम तर जितने लोग हमारे दिल के करीब हैं, उनकी हिफाजत, उनकी मदद, उनको संभालने का ज़िम्मा खुदा खुदा ले लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी तरबियत का ज़िम्मा भी खुदा खुदा ले लेते हैं। वो उनको उनकी राह से भटकने नहीं देते हैं। इनफैक्ट खुदा खुदा का बहुत ही खूबसूरत प्लान उन तमाम लोगों के साथ जुड़ जाता है। और इसी तरह से हमारी तमाम तर ज़िंदगी में जो हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है, जितनी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो हमारे बच्चों के और हमारी फैमिली के काम नहीं आ सकती हैं। बट द सेल्वेशन इज़ द ओनली थिंग हु सेव्स देम एंड हु कैन सेव देम। तो हम लोगों को अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारी यूथ है वो खुदा खुदा से दूर होती चली जा रही है और वो इस चीज़ से हरगिज़ वाकिफ़ नहीं है कि सादक बनना ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है। ये हम लोगों को अपने साथ साथ तमाम तर लोगों और अपनी जितनी यूथ है उनको आगाह करना चाहिए इस बारे में कि हम लोगों को भी सादक बनना अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी, एक ऐसा इसको गोल रखना चाहिए जो कि हम लोगों को हमारी ज़िंदगी के बाद भी फैमिली की श्योरिटी देता है कि दे विल बी विद गॉड एंड दे विल बी इन आर गॉड्स हैंड। Thank you very much for joining us. God bless.